हे गाइस, मेरा नाम चंद्र बख्शी और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप किस तरह से अपना जो एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस हो उसमें आप कैसे नेविगेशन को हाइड कर सकते हैं। मतलब आपके जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे जो एंड्रॉयड डिवाइस में जो नेविगेशन आता है ना उसको अगर आपको चेंज करना है या आपको आईफोन या OnePlus जैसा लुक देना है नेविगेशन में तो वो कैसे चेंज कैसे कर सकते हैं, आप कैसे किसी भी एंड्रॉयड डिवाइसेस में आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियरली मैं बताऊंगा कि कैसे किस तरह से दिखता है नेविगेशन, कैसे आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा इसमें आपको आपके डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी, डेस्कटॉप मशीन की, ताकि हम ये नेविगेशन को यूज कर सके उसको। तो ये नेविगेशन जो है वो XDA वालों की तरफ से है, उन लोग ने इसको लॉन्च किया है और ये काफी समय से है ये, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान स्टेप में बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। तो चलिए फिर आप शुरू करता हूं, मैं दिखाना दूसरे स्क्रीन में। ठीक है, इससे चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टॉलेशन में बता देता हूं कैसे इसको करना है। प्ले स्टोर में जाइए, उसके बाद फिर यहां पे XDA नेव आप लिखेंगे बस उतना सा, तो पहले ही ऑप्शन आ जाएगा ये, और फिर उसके बाद फिर इंस्टॉल कर लीजिए इसको। बहुत आसान प्रोसेस में बता रहा हूं आपको ये सब करके। जब ये हो जाए तो उसको मिनिमाइज कर दीजिए और फिर अब हमको क्या करना है कि अभी इसको ओपन नहीं करना है, अब हमको जाके अभी डेवलपर मोड में जाना है हमको, ताकि हम अपना USB जब हम कनेक्ट करें तो उसकी हम परमिशन इसको दे सके। सिस्टम में जाके अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर मैंने ऑप्शन डिसेबल कर दिया था, ताकि मैं आपको फिर से पूरा बता सकूँ कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं। तो इसमें जाके अबाउट फोन में जाके फिर ये बिल्ड नंबर जो है ना, बिल्ड नंबर नीचे दिया है उसको आप टैप करिए। अभी कंफर्म ये पैटर्न बोलेगा अनलॉक करने के लिए। ये देखिए अभी डेवलपर अपन हो गए, बन गए। ये डेवलपर ऑप्शंस में जाइएगा, उसके बाद फिर हमको जाना है सीधे नीचे USB। ऑलराइट, सो ये है ऑप्शन सामने था और ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो उसमें अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको मेक श्योर देखिएगा कि ये यहाँ पे इनेबल्ड हो। अब हमको क्या करना है, नेविगेशन में जाना है। हालांकि ये बात की स्टेप्स है, जो मैं अब जो स्टेप बताऊंगा डेस्कटॉप में उसको कैसे यूज़ करना है, तो चलिए उसको देखते हो उसको कैसे यूज़ किया जाए, क्योंकि वो कमांड हमको जरूरत पड़ेगी। लेकिन पहले मैं इसमें कर लेता हूँ एक चीज़ और। यहाँ पे जाके जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये परमिशन मांगेगा, तो हमको नीचे जाना है नेविगेशन गेस्चर में जाके इसको ऑन कीजिए और फिर ये हो गया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि अब हमको ग्रांड में क्लिक करेगा और ये जो ऊपर कोड लिखा है ना, ये हमको अब यूज़ करना है अपने CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में इसको यूज़ करना है, इस कमांड को। तो कैसे यूज़ करेंगे चलिए मैं आपको अब दूसरी स्क्रीन में दिखाता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे को डेस्कटॉप यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स गेट ओके गाइस, मैं डेस्कटॉप में आ गया हूँ। मैं अब क्या करना है, मैंने एक नीचे लिंक देके रखी है, डाउनलोड लिंक, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा डेस्कटॉप में। ये प्लेटफॉर्म टूल्स करके एक फाइल्स होगी, उसके अंदर ये बहुत सारी फाइल्स है इसमें एंड्रॉयड की, तो ये अपने को यूज़ करनी है इससे कनेक्ट करके। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपना जो मैंने कनेक्ट ही नहीं किया है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको के सामने मैं इसको दिखा सकूँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ USB। ध्यान रखिएगा, देखिए अब ये ऑप्शन पूछेगा हमको कि इसको क्या करना है। तो पहले तो ये देखिए, पहले हम मेरे को जाके यहाँ पे ये जो है इसमें इसमें यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में जाके हमको ये पूछ रहा है कि अभी ये चार्ज कर रहा है फाइल, लेकिन हमको सेकेंड ऑप्शन यूज करना है इसका। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो ये आप देखिएगा कि यहाँ पे एक बन के आ जाएगा, मेरी डिस्क यहाँ पे बन के आ जाएगी नीचे, और शायद ये देखिए ये ऊपर, इसको कैमरे को सही कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वाला, इसका मतलब है कि अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो आपको फाइल ट्रांसफर कनेक्ट इसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको CMD में जाना है, तो यही से आप डायरेक्ट CMD में जाइएगा, सिर्फ लिख दीजिए यहाँ पे CMD करके CMD और फिर एंटर मार दीजिए, ये एंटर हो गया। अब हमको यहाँ पे जो ये इनने बोला था XDA में जो एप्स में जो बताया गया है कि हमको ये परमिशन हमको लिखनी है पूरी, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से इसको यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये पूरा फिर से गलत बता देगा। तो हमको लिखना है ADB, उसके बाद शेल, उसके बाद PM ग्रांट, उसके बाद फिर com.xda.nobar,
उसके बाद हमको स्पेस देना है, देखिए नो बार के बाद फिर हमको स्पेस देना है, इकट्ठे नहीं है, फिर एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट, उसके बाद कैपिटल में है राइट सिक्योर सेटिंग्स, ये अब बस हमको अब एंटर कर देना है। ओ अब ये देखिए, अब ये बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि अब आपको इसमें जैसे जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये अब ये ऐसा ऑप्शन बताने लगा, तो हमको यहाँ पे ओके करना है ताकि हम इसको अलाउ कर सके। ये हमने अलाउ कर दिया है, अब हमको यहाँ पे जाके फिर से वही इसको कर देंगे टाइप, लेकिन उसको हम ऊपर वाली कर्सर जो रहता है अपना कीबोर्ड का उसको दबा के हम पूरा उसको पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी इसमें वो एरर बता दिया है उसने, इसलिए वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा आ गया है, इसलिए ये एरर बता दिया है इस चीज़ को उसने। और मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये ने XSA लिख दिया, मैंने XDA की जगह, इसलिए। तो मैं इसको ऊपर करके मैं फिर ये ओप्स फिर से गलती हो गई, देखिए अब हो गया, अब ये पूरा कनेक्ट हो चुका है अपना। तो अब हमको करना क्या है, बस यहां पे जाके हमको जो है ये हमको गॉट इट में यहाँ पे करना है, और फिर इसके बाद फिर हमको ये सब स्किप कर देना है, और देन बूम रेडी, ग्रैंड में ऑलरेडी हमने देखे रखा। और ये देखिए अब नीचे ये बन के आ गया, अब मैं आपको पूरा मैं बताता हूँ अपनी दूसरी स्क्रीन में। तो चलिए अब जैसे देख सकते हैं कि मैंने इसको कर दिया है, और नीचे यहाँ पे ये बन के आ गया है, ये शुरू हो गया है यहाँ पे। अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको सिर्फ इनके ऐप्स में जाना है, और मिसिंग परमिशन दिखा रहा है बस, बाकी सब सेट है। अब ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, और एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करना हो तो इसको हमेशा डिसेबल्ड रखिएगा, नहीं तो ये क्या होगा कि ये उसके साथ वो भी करप्ट कर जाएगा। तो ये देखिए अब मैंने इसको इनेबल कर दिया है, तो ये जो आप देखिएगा गौर कीजिएगा कि ये नेविगेशन यहाँ से चला गया है, ये अब ये नेविगेशन चला गया। तो अब अपनी जो पूरी स्क्रीन है वो एक तरह से अपनी एक आईफोन या वन प्लस की तरह आप देख सकते हो, वो ऐसा कर सकते हैं। इनेबल गेस्चर पे मैं कर देता हूँ इसको इनेबल। अब आपको सेटिंग्स में जाना है, तो ये ऊपर गियर का आइकन दिया है, यहाँ पे आप अपनी इस तरह से इसको सेटिंग्स को कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर देता है मुझे कैसे यूज़ करना है, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। और दूसरा मैं कर दूँ तो टैप, अब देखिए अगर मैं इसको इस तरफ करूँगा ना तो ये अपनी लिस्ट से आएगी कौन से ऐप बंद करने हैं, और अगर मैं इस तरफ करूंगा तो ये बैक हो जाएगा। अब मैं इसको ऊपर करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमको अब हमको चेंज करना है कि हम जब ऊपर करें इसको तो क्या होगा, क्या होना चाहिए मेरे को। मैं चाहता हूं कि जब मैं ऊपर करूं इसको तो ये होम में चले जाता, स्वाइप अप, इसको मैं होम में कर देता हूं। अब मैं इसको कर दूं, ये देखिए होम में आ गया। तो ऐसे हम इसको सेटिंग्स को अपनी तरह से इसको कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ, अब आप अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हैं। मैं इसको ट्रांसपेरेंसी में इसको रख देता हूँ, और आप कुछ भी इसको रख सकते हैं, सिलेक्ट कर देता हूँ, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। और इसकी जो है आप रेडियस भी इसको, बॉर्डर रेडियस भी इसको कम कर सकते हैं, और विड्थ भी इसको आप कम कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे करके दिखाऊँ तो ये देखिए नीचे देखिएगा, अगर आप देख सकते अच्छे से तो ये इसे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो आपको क्लियर इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा। इसको मैं येलो कर देता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देता हूँ, ये देखिए नीचे बन के आ गया है। और आप इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार इसको हाइट चेंज कर दीजिए यहाँ पे जाके, ये देखिए इतनी लंबी हाइट हो जाएगी, फिर इतनी कम, मैं इसको कम ही रखता हूँ इतना, ताकि अपने को बहुत अच्छे से लगे कि हाँ ये भैया आईफोन टाइप ऐसा कुछ है दिख रहा है हमको वन प्लस। और इसकी चेंज भी कर सकते हैं भाई, पोजीशन कहाँ आपको रखना है इसको, और वी को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर भी दिया हुआ है इसको, आप कैसा वाइब्रेशन जब हम करते हैं इसको तो कैसा वाइब्रेशन होना चाहिए, देखिए अब ज़्यादा हो गया है यहाँ पे मैंने इसको किया। एनिमेशन ड्यूरेशन थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूँ तो ये देखिए थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है इसमें। अगर आपको कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू आती है आपके डिवाइस में तो आप उसको फिर इसको आराम से इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसको आप कर सकते हैं। हालांकि मेरे में अभी कोई ऑप्शन इसमें ऐसा कुछ आया नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं आपको कोई ऐप खोल के दिखाऊँ
मैं गेम भी अगर अब हम खेलेंगे ना तो होता क्या है, देखिए मैं एक ऐप ऐप आपको दिखाता हूँ मेरे में, हाइबरनेटर का ही मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी तो ये खैर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अगर गेम में दिखाऊँ इसको, अगर मैं ये अलग गेम खोलता हूँ, देखिए एक तो ये यहीं पे है, बन के आ गया है, बस ये समस्या ये है कि अब ये जाएगा नहीं। देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ये जाएगा नहीं। एक समस्या ये है कि गेमिंग के समय आप चाहे तो उसको डिसेबल्ड कर दीजिए। अब अब हो तो गया है, लेकिन कभी कभार ये आता नहीं है, कभी कभार ये देखिए कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि काम करना बंद कर देता है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप इसको हमेशा या तो उसका कलर बिल्कुल चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने येलो रखा हुआ तो आपको ये दिख सके, नहीं तो आप जब भी गेम करें या फुल स्क्रीन में आप जब भी जाए तो इसको नेविगेशन को जाके, यहाँ से जाके इसको ये हाइड कर दीजिए, बस ये ऐसे चला जाएगा, और इसको भी बंद कर दीजिए तो ये पिल चली जाएगी। तो यही है भाई अपना, ऐसे इस तरह से अपन अपना आईफोन बना सकते हैं, उसके बाद फिर अपना अपना चेंज कर दीजिए। बहुत सी चीज़ें इसमें, वॉलपेपर वैसे कर ले आइए, तो ये इसी तरह से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। नेविगेशन को बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक का जरूर दबाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और कोई भी ऑप्शन हो इसके लिए तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। मेरा डिवाइस है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस डिवाइस के मामले तो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो मेरा नाम चंद्रकिशोर बख्शी, एक्सप्लोर गिज़्मो की तरफ से मैं आपको बाय बोलता हूँ। बाय बाय।